विषय हिंदी कक्षा पाँचवीं पाठ क्रमांक 9 मुझे पहचानो आकारों के नाम बताओ। अब इस पाठ में कुछ चित्र दिए हैं तो वो चित्र कौन से आकार में आते हैं ये हमें देखना है। तो सबसे पहला चित्र है ब्लैक बोर्ड का। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैक बोर्ड कौन से आकार में आता है, आयत आकार में आता है। उसके बाद है घड़ी, घड़ी कौन से आकार में आती है, वर्गाकार में आती है, मतलब स्क्वायर में आती है, उसे वर्गाकार कहते हैं। उसके बाद लिफाफा, लिफाफा आयत आकार में आता है। रुमाल वर्गाकार में आता है। उसके बाद है बेलन, बेलन कौन से आकार में आता है, बेलनाकार, इस आकार में बेलन आता है। उसके बाद है एक डब्बा, तो वो डिब्बा कौन से आकार में आता है, ये भी बेलन आकार में आता है। उसके बाद है कंपोस्ट बॉक्स, कंपोस्ट बॉक्स कौन से आकार में आता है, आयत आकार में आता है। उसके बाद है कैरम बोर्ड, ये भी कौन से आकार में आता है, वृत्ताकार में, वर्गाकार में आता है। उसके बाद है कैप, जोकर की कैप, ये कौन से आकार में आती है, ये शंकु आकार में आती है। उसके बाद गाड़ी का पहिया, साइकिल का पहिया कौन से आकार में आता है, ये गोलाकार मतलब स्पेयर, इस आकार में आता है। उसके बाद एक डिश और उसमें क्या है, लड्डू है, ये कौन से आकार में आता है, ये वृत्ताकार में आता है। अब वृत्ताकार, वृत्ताकार किसे कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। उसके बाद है बॉल, ये कौन से आकार में आता है, ये भी वृत्ताकार में आता है। उसके बाद टोपी है, ये भी कौन से आकार में आती है, ये शंकु आकार में आती है। उसके बाद समोसा, समोसा त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल आकार में आता है। उसके बाद आइसक्रीम कोन, ये कौन से आकार में आता है, ये भी शंकु आकार में आता है। उसके बाद है कंदिल, अब ये षटभुजाकार में आता है क्योंकि यहाँ पे इसे छः भुजा है, छः साइड है, इसलिए इसे षटभुजाकार कहते हैं। ये कंदिल अभी षटभुजाकार में आता है। उसके बाद ये 5 किलो का सिक्का है, ये भी कौन से आकार में आता है, षटभुजाकार में आता है। अब यहाँ पे देखिए ये सिग्नल पे लगाते हैं देखो रास्ते में कि गाड़ी यहाँ से, मतलब गाड़ी का चित्र दिया है, तो ये बोर्ड भी कौन से आकार में आता है, त्रिभुजाकार मतलब ट्रायंगल में आता है। उसके बाद है सैंडविच, सैंडविच कौन से आकार में आता है, ये भी त्रिभुजाकार में आता है। उसके बाद पेंसिल, पेंसिल बेलन आकार में आती है। और उसके बाद ये जो लास्ट का चित्र है, शोपीस है, ये कौन से आकार में आता है, ये भी षटभुजाकार में आता है। अब ये सारे आकार किसे कहते हैं ये हम आगे देखेंगे। पहला है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ पे इसे तीन भुजाएं हैं, भुजाएं मतलब साइड, बाजू। अब यहाँ पे देखिए इसमें तीन भुजाएं होती हैं, जैसे सैंडविच समोसा के आकार त्रिकोण होते हैं, सैंडविच भी देखो ट्रायंगल में होता है, या फिर समोसा, समोसे का आकार भी ट्रायंगल होता है, मतलब यहाँ इसमें तीन भुजाएं होती हैं, उसे त्रिभुजाकार कहते हैं या फिर ट्रायंगल कहते हैं। इसके बाद है दूसरा वर्गाकार, वर्गाकार मतलब इसको इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। अब यहाँ पे इसे चार भुजाएं होती है, मतलब चार साइड्स होती है जो एक समान ही होती है, मतलब यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4 ये सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं, उसे वर्गाकार कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। इसमें चार समान भुजाएं होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जैसे उदाहरण कैरम, रुमाल, घड़ी आदि के आकार वर्गाकार होते हैं। उसके बाद तीसरा आकार आयताकार, मतलब रेक्टेंगल, आयताकार को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। अब इसमें देखिए इसमें चार भुजाएं होती है, चार और सामने, सामने की भुजाएं समान होती है, जैसे उदाहरण लिफाफा, कंपास बॉक्स आदि के आकार आयताकार होते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर वन साइड और दूसरा नंबर वन साइड दोनों एक जैसे हैं, और नंबर टू साइड और नंबर टू साइड ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब एक
नंबर की साइड और दो नंबर की साइड वो एक जैसे नहीं है, लेकिन जो जो बाजू सामने सामने है, जो साइड सामने सामने है वो एक जैसे होती है। तो इसे रेक्टेंगल कहते हैं, आयताकार कहते हैं। उसके बाद नंबर फोर है वृत्ताकार, मतलब सर्कल। ये बहुत सिंपल है, ये नॉर्मल जैसे सर्कल होता है वैसे सर्कल है, उसे वृत्ताकार कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यह आकार एक रुपए के सिक्के की तरह गोल होता है। जैसे उदाहरण रोटी, पहिया, सिक्का आदि के आकार वृत्ताकार होते हैं। ध्यान में रखिए, वृत्ताकार मतलब सर्कल। उसके बाद नंबर पाँच पे है गोलाकार, इसे स्क्वायर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, गोलाकार मतलब इसके एग्जांपल है वो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, गोलाकार मतलब जैसे सूर्य या फिर बलून या फिर फुग्गा, बॉल, बड़ा सा बॉल होता है उसे, इसे गोलाकार कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी कैसी है, गोलाकार है। इसके बाद छः नंबर पे है बेलनाकार, इसे इंग्लिश में सिलेंड्रिकल भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार सिलेंडर जैसा होता है या फिर जैसे बेलन होता है ना उसके जैसा आकार होता है। अब यहाँ पे देखिए, यह आकार पाइप के समान होता है, डिब्बा पाइप आदि बेलनाकार आकार है। उसके बाद सात नंबर पे है शंकु आकार, इसे कोन कहते हैं। जैसे आइसक्रीम का कोन होता है वैसे इसका आकार होता है, ऊपर कोन जैसा होता है, मतलब ऊपर ट्रायंगल जैसा और नीचे सर्कल जैसा, तो इसे शंकुआकार कहते हैं। जैसे जैसे जोकर की टोपी होती है ना, जोकर की टोपी, या फिर जो बर्थडे में बच्चे कैप पहनते हैं ना, उसका आकार शंकुआकार जैसा होता है। इसके बाद आठ नंबर पे है षटभुजाकार। अब यहाँ पे देखें, इसमें छः समान भुजाएं होती है, इसमें छः भुजाएं होती है, छः साइड्स होती है। यहाँ पे देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसलिए इसे षटभुजाकार कहते हैं। जैसे दिवाली में कंदील लगाते हैं ना, उसका आकार भी देखो षटभुजाकार जैसा होता है, उसमें भी छः भुजाएं होती है, उसे षटभुजाकार कहते हैं। पाठ क्रमांक 10, मुझे जानो, समझो और लिखो। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं और उनके नाम हमें हिंदी में और रोमन लिपि में क्या है ये देखना है। अब रोमन लिपि मतलब अंग्रेजी, इंग्लिश में क्या नाम है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले है सिक्का। अब यहाँ पे जो सिक्के का चित्र है इसे हिंदी में सिक्का कहते हैं और इंग्लिश में कॉइन कहते हैं। उसके बाद है पेन, पेन को हिंदी में पेन कहते हैं और रोमन में फाउंटेन पेन। उसके बाद है डिस्को रिकॉर्ड भी कहते हैं। उसके बाद है जहाज को शिप कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है प्याला, इसे हिंदी में प्याला कहते हैं और इंग्लिश में कप कहते हैं। उसके बाद है रेडियो को रेडियो ही कहते हैं। उसके बाद है ब्रश को भी ब्रश ही कहते हैं। उसके बाद है मोबाइल को भी मोबाइल ही कहते हैं। उसके बाद है तश्तरी, इसे हिंदी में तश्तरी कहते हैं और इंग्लिश में डिश कहते हैं। उसके बाद है पेटी, इसे हिंदी में पेटी कहते हैं और इंग्लिश में सूटकेस कहते हैं। उसके बाद है बेल को इंग्लिश में ऑक्स कहते हैं। उसके बाद है ट्रैक्टर को भी ट्रैक्टर ही कहते हैं। उसके बाद है कमीज़ को इंग्लिश में शर्ट कहते हैं। उसके बाद है गाय को इंग्लिश में काऊ कहते हैं। उसके बाद है डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहते हैं। उसके बाद है रिक्शा को इंग्लिश में ऑटो कहते हैं। उसके बाद है बस को हिंदी में भी बस ही कहते हैं। उसके बाद है ट्रक को ट्रक ही कहते हैं।